जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो बुक 11 2 2023, जिसको एक स्टूडेंट लैपटॉप भी कहा जा रहा है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। जो इसका प्राइस है वो है लगभग 16,000 के आसपास, कुछ डिस्काउंट के बाद ये आपको सस्ता भी मिलता है। ओरिजिनल प्राइस 16,499 जो है इसका रखा गया है, जो रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर इस वीडियो को बनाते समय विजिबल है। अगर आप भी सोच रहे हैं ऑल न्यू जियो बुक को खरीदने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो बुक के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें जियो बुक से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू द PC लर्नर्स। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द PC लर्नर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, हार्डवेयर से। हार्डवेयर जो है न्यू जियो बुक का, वो जो है इस बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, साथ में आपको जो कीबोर्ड मिलता है उसकी क्वालिटी और उसके कीज जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ में हमें माउस पैड देखने को मिलता है, ट्रैक पैड देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। इसके आगे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको देखने को मिलता है जियो OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड है। तो बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आपको इसमें यूज़ करने का फीचर जो है वो मिलता है। बहुत सारे ऐप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो विंडोज़ और एंड्रॉयड बोथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिर्फ विंडोज़ बेस्ड होते हैं वो आप इस पर शायद नहीं चला पाएंगे। रैम की बात करें तो 4 GB रैम मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का MT8788 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। 256 GB की जो है एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें SD कार्ड से लगा सकते हैं, और कनेक्टिविटी के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जियो 4G सिम, जिसकी मदद से आप इंटरनेट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर उतनी बेहतर नहीं है। MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, 4 GB LPDDR4 रैम मिलती है, लेकिन तो कहीं ना कहीं जो वो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। बैटरी रन टाइम की बात करें तो 8 आवर्स जो है वो हमें यहाँ पे ऑन पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको 1 ईयर की कैरी इन वारंटी जो है वो जियो बुक के साथ मिलती है। 64 GB की आपको इसमें स्टोरेज मिलती है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 256 GB तक। पोर्ट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलता है एक सिम स्लॉट, 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, 2 USB 2.0 के पोर्ट मिलते हैं, पावर अडेप्टर आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ आपको देखने को मिलता है एक मिनी HDMI पोर्ट। कैम की बात करें तो आपको 2 MP का SD कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है वो देखने को मिलता है। सो यही था पूरे जियो बुक के बारे में। सो अगर आप एक एकदम बेसिक लेवल पे कोई लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं सो आप इसको लेना कंसिडर कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आप एडवांस भी वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, सो आप अदर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, किसी और लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस हम और लाने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।